और पहले हम बाइसिकल का काम करते थे जी, और आस्ता आस्ता हम इस वक्त बैटरीज बनाने लगे हैं। हिमाचल में हमारे 4 प्लांट्स हैं और हमने एक्सेप्शनल ग्रोथ करी है जी। इस साल हमारा जो नाम है इंडिया की टॉप 10 बैटरी कंपनीज में आना शुरू हो गया। ओके। तकरीबन 600-700 हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो हिमाचल की फैक्ट्रियों में बैटरीज बनाते हैं, बाकी ये सारी सेल्स टीम है, सर्विस टीम है जो सारे ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड आउट है। हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इस वक्त तकरीबन 40 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा ब्रांड। बैटरी जो ऐसी चीज़ है जो स्टैंड बाई है, जो आपको जिस वक्त उसकी ज़रूरत पड़े उस वक्त वो काम आ जाए, तो ये हमारी USP है। इस साल हमारा 500 करोड़ के तकरीबन टर्नओवर है जी। ये बहुत बड़ी रेलेवेंट चीज़ है। पंजाब में ये लग नहीं सकती क्योंकि पंजाब में लैंड की प्राइस इतनी ज़्यादा हो गई है कि जितने का उधर एक एकड़ आ जाता है हिमाचल में, इधर 100 गज भी नहीं आता। प्लस उधर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम पौंग डैम के पास हैं, तो इलेक्ट्रिक भी उधर चीपर भी है और अनइंटरप्टेड सप्लाई भी है। जनहितैषी, TRP नहीं खरीदते, भरोसा जीते हैं हम। सर, आज यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हो, क्या ओकेजन है? ये हमारी जो कंपनी है जी, ये दीपक ग्रुप जो है जी, ये 1950 में लुधियाने में हमने स्टार्ट किया था जी। और पहले हम बाइसिकल का काम करते थे जी, और आस्ता आस्ता हम इस वक्त बैटरीज बनाने लगे हैं। हिमाचल में हमारे 4 प्लांट्स हैं और हमने एक्सेप्शनल ग्रोथ करी है जी। इस साल हमारा जो नाम है इंडिया की टॉप 10 बैटरी कंपनीज में आना शुरू हो गया। ओके जी। ये जो AGM कर रहे हैं जी, ये इनको हमारे स्टाफ को, सेल्स टीम को एनकरेजमेंट देने के लिए कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जुड़े हुए हैं, जिनमें से तकरीबन 600-700 हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो हिमाचल की फैक्ट्रियों में बैटरीज बनाते हैं, बाकी ये सारी सेल्स टीम है, सर्विस टीम है जो सारे ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड आउट है और ये असम मणिपुर तक चले गए हैं जी। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है जी, ये इस वक्त सारी जगह में, सारे इंडिया में फैला हुआ है। हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इस वक्त तकरीबन 40 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा ब्रांड, और हम बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए उनके ब्रांड में भी ये बना के दे रहे हैं। तो आपके प्रोडक्ट की USP क्या है? हमारा प्रोडक्ट, हम इसको कहते हैं कि इसे डिपेंडेबल बैटरी। ओके। हम ये कोई क्लेम नहीं करते कि ये सस्ती है, ये सबसे बेटर है, यह सबसे देखने में, हम कहते हैं ये डिपेंडेबल बैटरी। बैटरी की क्वालिटी क्या है? बैटरी जो ऐसी चीज़ है जो स्टैंड बाई है, जो आपको जिस वक्त उसकी ज़रूरत पड़े उस वक्त वो काम आ जाए, तो ये हमारी USP है, यही टैगलाइन है कि इट इज़ ए डिपेंडेबल बैटरी। सर, जैसे फ्यूचर है ई रिक्शा, ई सब कुछ EV का आ रहा है, तो ऐसे में आप क्या क्या नई नई इनोवेशन लेकर? देखो, इस वक्त जो है, जो इंटरनल कम्बशन वाली 3-व्हीलर हैं, जिनको हम 3-व्हीलर कहते थे बजाज की, वो सारी फेज आउट हो रही हैं, और गवर्नमेंट का भी इंसेंटिव है EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। तो ये हमने आज से 4 साल पहले ही देख लिया था कि जो EV है उसमें जो बैटरी है वो डीजल का और पेट्रोल का काम करती है, क्योंकि ये उसका फ्यूल है जी, बिल्कुल। तो एक जो बैटरी, एक डीजल जो ई रिक्शा है उसमें 4 बैटरियां लगती हैं, और जो बैटरी की 1 साल अगर उसकी लाइफ है तो हर साल में वो 4 बैटरियां लगेंगी। इस वक्त तकरीबन लुधियाने में इस वक्त तकरीबन 10,000 से ज़्यादा ई रिक्शा चल रही है, और हर महीने में मेरे हिसाब से 3-4,000 ई रिक्शा आनी शुरू हो गई। दिल्ली में 4 लाख से ऊपर ई रिक्शा है, 4 लाख का मतलब 16 लाख बैटरी जो हर साल चलती है, तो इतनी बड़ी तो मार्केट है जिसके लिए हम अपने आप को गियर अप कर रहे हैं जी। पहले हमने एक छोटा सा प्लांट लगाया था, अब ये हमारा इस साल में 4th प्लांट है जो हिमाचल में चल रहा है। सर, लिथियम बैटरी का बहुत स्कोप दिख रहा है, जो हर आदमी लिथियम की बात कर रहा है, आपका कॉन्सेप्ट कहाँ तक? लिथियम के लिए हमने बहुत तैयारी करी हुई है, बल्कि आपने ये क्वेश्चन पूछा है, हमने अभी पिछले महीने में ही एक नया प्लांट जो है वो परचेज़ किया है, उसकी बिल्डिंग बन रही है, हमने मशीनरी जो है वो ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर ली है जी। कुछ ताइवान से आएगी, कुछ चाइना से आएगी जी, और कुछ यूरोप से उसमें पार्ट्स आएंगे जी। तो उसके तरफ चल रहे हैं, क्योंकि लिथियम जो है ये अभी एक नई चीज़ है जी। इसमें इतनी चेंजेस आ रही हैं कि कोई भी कमिट नहीं करना चाहता कि वो ये कमिट कर लिया तो कल को वो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। पहले लिथियम आयन थी, अब लिथियम फेरस आ गई है, इस तरह की ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। हाँ, तो हम इसको, इसकी टेक्नोलॉजी भी जो है अभी इतनी अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको वेट एंड वॉच कर रहे हैं, ताकि उस वक्त हम इस लाइन में स्टार्ट होएंगे जब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ जाएगा। सर, आपने बताया कि आपकी कंपनी टॉप 10 में आ चुकी है, तो इस साल का क्या टर्नओवर रहा? इस साल हमारा 500 करोड़ के तकरीबन टर्नओवर है जी, और कोशिश कर रहे हैं कि इसको 10 या 15% इस साल में इंक्रीज़ किया जाएगा। तो
जैसे आप हिमाचल में आपने 4 से 5 यूनिट लगाए, क्या इसके बाद साउथ में या किसी और स्टेट में भी आप जाने के लिए सोच रहे हो? नहीं, अभी तक तो हिमाचल में ही हमने, क्योंकि जो 4 यूनिट लगाए हैं इनको ही अभी एक्सपेंड करने की बहुत हमारी है प्लान्स है। जैसे पंजाब बॉर्डर एरिया है, अक्सर हम लोग आप ही लोगों से सुनते हैं कि लॉजिस्टिक्स की बहुत ज़्यादा मार पड़ती है, अनकम्पिटेटिव हो जाते हैं, तो अगर हम साउथ में या पोर्ट्स के नज़दीक कहीं लगाते हैं तो उस तरफ की मार्केट नहीं आप पकड़ सकते? ये बहुत बड़ी रेलिवेंट चीज़ है, पंजाब में ये लग नहीं सकती क्योंकि पंजाब में लैंड की प्राइस इतनी ज़्यादा हो गई है कि जितने का उधर 1 एकड़ आ जाता है हिमाचल में, इधर 100 गज भी नहीं आता। प्लस उधर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम पौंग डैम के पास हैं, तो इलेक्ट्रिक भी उधर चीपर भी है और अनइंटरप्टेड सप्लाई भी है, और लॉजिस्टिक ज़रूर ज़्यादा है। पर बोला जाता है कि OEMs जो हैं वो ज़्यादा साउथ में है, बेंगलोर में है उधर, तो क्या आप जैसी कंपनीज को इन फ्यूचर में आप सोचते हो कि ऐसा फोकस किया जाए कि हम OEMs के पास जाके अपना यूनिट लगाएं? बिकॉज कंपिटेटिव, हर एक को बैटरी अपनी पॉकेट के हिसाब से चाहिए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी आप हिमाचल से बेंगलोर में OEMs को सप्लाई करने जाओगे तो कल को कैसे करोगे? एक्चुअली जो बैटरी की टेक्नोलॉजी है उसके क्लस्टर्स बने हुए हैं, आपने देखा होगा कि ये स्टार्ट हुई साउथ इंडिया से। साउथ इंडिया में इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि वहाँ पे एक्साइड की फैक्ट्री, जो अंग्रेज़ों के टाइम प्री पार्टीशन एक्साइड की फैक्ट्री थी, और टेक्नोलॉजी उधर से ही निकलती है। जो इंजीनियर्स उधर से रिटायर होते हैं या वो उनके आस पास जाके फैक्ट्रियाँ लग जाती है। इसी तरह कलकत्ता में एक्साइड की फैक्ट्री थी, तो 90% जो इंजीनियर्स हैं या वो साउथ इंडिया के हैं या बंगाल के हैं। वो आस्ता आस्ता बद्दी में लगी, हिमाचल गवर्नमेंट ने इसका इंसेंटिव दिया, सब्सिडीज़ मिलनी शुरू हुई और GST में उसकी रियायत थी और सेल टैक्स में, और वो सारा कुछ जो है उसकी वजह से हिमाचल में एक और क्लस्टर तैयार हो गया। हिमाचल में उसकी अब टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है क्योंकि लेबर भी जो है वो भी ट्रेन हो जाती है, तो ये लेबर भी आसान हो जाती है। सिर्फ एक डिसएडवांटेज है कि हम पोर्ट से बहुत दूर ज़्यादा हैं और इसका जो इनवर्ड फ्रेट और आउटवर्ड फ्रेट है वो बहुत ज़्यादा लगता है, और वो बाकी चीज़ों में कॉम्पनसेट कर जाता है। सर, अपनी टीम को जो आज आपने 500 करोड़ के नियरेस्ट अपनी टर्नओवर अचीव की, तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो टारगेट्स रखे गए हैं वो क्या है और टीम को क्या मैसेज देना चाहूँगा? एक्चुअली ये जो हम इस वक्त हमारा फोकस जो है इन्वर्टर की बैटरी पे है, इन्वर्टर की जो बैटरी है वो सीजनल है जी। जब सीजन चेंज हो जाता है, जैसे कोई बारिशें पड़ गई तो इन्वर्टर की बैटरी की डिमांड एकदम कम हो जाती है, तो इसको हमने काउंटर करने के लिए नई लाइन स्टार्ट करी है, जैसे मोटरसाइकिल की है, टू व्हीलर की, जो टू व्हीलर जो है वो इज ए ग्रोथ इंडस्ट्री इस वक्त, तो उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है क्योंकि साइकिल से लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं टूवर्ड मोटरसाइकिल्स, तो मोटरसाइकिल की हमने बैटरी की लाइन ऐड करी है, इन्वर्टर की हमने ऐड करी है, जो UPS जो है कंप्यूटर का जो छोटा होता है स्टैंड बाई वो हमने की है, इस तरह की कई नई चीज़ें टेक्नोलॉजीज हम ऐड कर रहे हैं, तो हम अपनी जो प्रोडक्ट की बास्केट है उसको ज़्यादा बड़ा कर रहे हैं, और मार्केट्स की भी आपने देखा होगा कि हम आसाम तक पहुंच गए हैं, नॉर्थ ईस्ट पहुंच गए हैं। तो जैसे बास्केट बड़ी करी है तो फिर तो एक साल में जैसे 500 करोड़ से सीधा 1000 करोड़ पे पहुंच सकते हैं? नहीं, इतनी जल्दी इसको, ये आगे दौड़ पीछे चौड़ वाला काम नहीं, क्योंकि ये वारंटी आइटम है। एक जो हम बैटरी बेचते हैं उसकी 3 से 5 साल की वारंटी दी जाती है, तो अगर ज़्यादा हम जल्दी दौड़ने की कोशिश करेंगे तो कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए, क्योंकि इवेंचुअली तो अगर वो क्वालिटी में बैटरी फेल हो गई तो उसको हमें फ्री रिप्लेसमेंट देनी पड़ेगी, ब्रांड भी खराब हो जाता है और रिप्लेसमेंट भी देनी पड़ती है। एक अगर बैटरी वापस आ जाए तो वो 50 बैटरियों का जो प्रॉफिट है वो ले जाती है। एंड में टीम को क्या मैसेज देना चाहूँगा? टीम को हम कह रहे हैं कि ये आपकी अपनी कंपनी है जी, हमारे साथ फलो फूलो, बड़े हो जैसे हम बड़े होंगे, इन किसानों की जो इनको बताया जाता है कि ये आपकी अपनी कंपनी है, कोई हम भी बाहर से नहीं आए हुए, तो जैसे हम ग्रो कर रहे हैं ये आपने देखा, ये सारी हमारी टीम ग्रोथ कर रही है जी। तो यही हमारा संदेश है। थैंक यू सर। थैंक यू।